एक ऐसे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, एक ऐसे समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए संकल्प लिए हैं, एक ऐसे समाज को आप सत्ता तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं, जो समाज सो के उठने के बाद सीधा जंगलों में या खेत या खलिहानों में या पहाड़ों में या नदी नाले के किनारे जाता है, ऐसे समाज को आप पहाड़ों नदी नालों के खलिहानों से उठाकर आज दिल्ली की राजधानी आप जंतर मंतर पर पहुंचाने का काम किया है सम्मानित साथियों। असली राजनीतिक परिवर्तन यही है जो दूसरों के पीछे 76 साल तक चला, कभी धर्म के नाम पे किसी के पीछे चला, कभी 85% के नाम पे किसी के पीछे चला, कभी भाई के नाम पे किसी के पीछे चला, और जहां भी चला वहां यह समाज ठगा गया। लेकिन आज राष्ट्रीय पार्टी के हमारे सामाजिक, हमारे सच्चे नेता, हमारे कट्टर जुझारू कार्यकर्ता, ऐसे वंचित जो राजनीतिक वंचित समाज है, राजनीतिक शोषित समाज है, हमारा पाल बघेल धनगर समाज, ऐसे राजनीतिक शोषित समाज को उठा करके सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम लिए है। इसलिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे नेताओं का स्वागत होना चाहिए साथियों। आज भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज को हक अधिकार देने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन, केंद्र में हक अधिकार भागीदारी देने के लिए और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति का गठन की, और दोनों आयोग का रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर पाई, ना केंद्र में पार्टी के आयोग की रिपोर्ट लागू कर पाई। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी का मंशा अति पिछड़े अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार देने की नहीं है। इसलिए अब कर्तव्य बनता है जो आपको हक अधिकार नहीं देने की मंशा रखता है उसको कुर्सी में बने रखने का कोई अधिकार नहीं है साथियों। आप लोगों को संकल्प लेने का समय आ गया है, जो पार्टी सबका साथ सबका सम्मान की बात करती हो ऐसे पार्टी का साथ दे, ऐसे पार्टी को सत्ता तक पहुंचाए, तब जाकर के देश का संपूर्ण के विकास होगा, और ठगहारों और झूठेरों और लूटरों को सत्ता देने से देश का विकास होने वाला नहीं है सम्मानित साथियों। अगर देश को आप विकास हासिल करना चाहते हैं, सभी समाज के लोगों को भागीदार देना चाहते हैं, हक अधिकार देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी भी समाज के व्यक्ति के ऊपर पिसाब ना हो, आप चाहते हैं कि किसी की कुर्सी खाली होने के बाद किसी की कुर्सी को धोना ना पड़े, आप चाहते हैं किसी की बहन बेटी के साथ अत्याचार अन्याय जुर्म ज्यादती ना हो, तो आपको न्याय की देवी राजमाता पुलिस लोग अहिल्या देवी होलकर की विचारों को शासन सत्ता आपको स्थापित करना पड़ेगा सम्मानित साथियों। वह राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विचारों पर शासन सत्ता स्थापित करने के लिए आपका पाल बघेल धनगर समाज का भाई, आपका बेटा बाबू रामपाल, राम आश्रय पाल, महेंद्र प्रसाद गुरु जी और हमारे एडवोकेट सुनील चंद पाल जी के साथ फतेहपुर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल जी, वाराणसी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी या हमारे भदोही जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्णदेव पाल जी जैसे तमाम हमारे नेता आज हर विधानसभा में, हर वार्ड में, हर जिले में ऐसे तमाम विधायक हमारे नेता, क्रांतिकारी नेता ऐसे काम कर रहे हैं और दूसरों के लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ऐसे तमाम अपने क्रांतिकारी नेताओं के दम पे मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि 2024 के लोकसभा में ऐसे क्रांतिकारी साथियों के दम पे आपके राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले चुन करके हमारा प्रत्याशी लोकसभा में जाएगा सम्मानित साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूँ। हम पिछले रविवार से
हम और हमारे प्रभारी जी राम आश्रय पाल साहब हम दिल्ली और एनसीआर में भ्रमण कर रहे हैं। तमाम ऐसे पदाधिकारी, तमाम ऐसे कार्यकर्ता, शुभचिंतक हम लोगों को मिले और इसी के मंथन में हमें दो ऐसे जुझारू नेता मिले, नेतृत्वकर्ता मिले, जिन्होंने सामने से कहा कि बाबू रामपाल जी, राम आश्रय पाल जी, आप हमें दिल्ली के लोकसभा का हमें प्रत्याशी बनाइए, हमें दिल्ली से टिकट दीजिए, हम पूरी ताकत से लड़ करके हम चुनाव जीतने का काम करूंगा। हमारे बीच में वैद्य जी चंद्रभान पाल जी यहाँ पे उपस्थित है, उन्होंने आपको वक्तव्य भी दिया, जो भी क्रांतिकारी वक्तव्य रहा उनका, जो घोषणा पत्र है उनका, जो वक्तव्य है पार्टी का घोषणा पत्र है, तो आपके यहाँ से दिल्ली से एक सीट में प्रत्याशी के रूप में हमारे वैद्य जी आ रहे हैं, वह जोरदार तालियों से उनका सम्मान करिए। साथ ही आजीवन राजनीति करने वाले आप लोगों ने उनका वक्तव्य को सुना, हमारे नरेश पाल जी जो कि क्रांतिकारी धरती फतेहपुर से हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य रखा, उन्होंने भी कहा भाई हमें आप दिल्ली की एक लोकसभा से हमें टिकट दीजिए, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी को पहले हम घर घर और जन जन तक पहुँचाऊंगा, और सबसे हम सपोर्ट लेकर के ट्रैक के चुनाव निशन पर मोहर लगाऊंगा और जीत करके लोकसभा में पहुंचूंगा।